शुरू में जाए नज़दीक जाके आराम से देखें, खोल के देखें, अंदर से देखें। अच्छा, शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। यार इसका इंजन चेक करते हैं क्या। कसम से ये गाड़ी जो मुझे बहुत पसंद आ गया, मैं सोच रहा हूँ बाद में पूछता हूँ, अगर गाड़ी इसने बेची है तो हमें दे दे यार। नहीं नहीं बात भाई, जो सीधी बात है ना भाई, सच्ची बोलूँगा, कसम से तुम्हारी गाड़ी बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी मॉडिफाई कराई है तुमने, जिधर से भी कराई है। वैसे अगर गाड़ी ये तुमने बेचनी हुई ना तो बताना यार, मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ। शुक्रिया भाई, लेकिन यार तुम्हें पता है ना मैंने जितनी इसके ऊपर मेहनत की है, तो मैं इस गाड़ी को बेचना नहीं चाहता। लेकिन अगर कोई मैं मतलब मैंने सोचा बेचने का तो ज़रूर तुम्हें बताऊँगा भाई। शुक्रिया तेरा यार। अच्छा ठीक है भाई, यार तुम्हारी मर्ज़ी। हाँ फ्रैंकलिन, ये बंदा तो नहीं बेचेगा गाड़ी यार, इसने बोल दिया गाड़ी वैसे बहुत अच्छी है इसकी। हाँ वैसे गाड़ी तो अच्छी है, लेकिन चलो यार हम अपनी गाड़ी लेंगे, उसे मॉडिफाई करेंगे तो टेंशन ना ले। हाँ पापा, यार चाचू सही बोल रहे हैं, हम अपनी गाड़ी को लेते हैं अच्छे से, उसे मॉडिफाई करवाते हैं सही मुकम्मल, ठीक है। स्पोर्ट मारे को गाड़ी हमें मंगवानी चाहिए, ठीक है पापा। हाँ, वो भी बात मार, तुम दोनों की बात ठीक है। बस ये सिविक तुमने देखी है गाड़ी, क्या इसे मॉडिफाई क्या क्या इसने किया हुआ, कुछ किया हुआ है स्पेशल? नहीं इतना कुछ नहीं स्पेशल यार, नॉर्मल ही है। अच्छा ये देखो यार, ये क्या लगा हुआ है, ये ठीक लग रहा है वैसे दरवाजे के ऊपर जो इसने लगा हुआ है यार, ये कोई बैनर है या जो स्टिकर है जो भी, अभी पता नहीं इसने क्या लगवाया, ठीक लग रहा है वैसे। हाँ वैसे ठीक था। हाँ तो अभी क्या क्या सीन है, क्या करने वाले हो? कुछ नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ हमें भी गाड़ी एक लेनी चाहिए अच्छी सी ना, स्पोर्ट मॉडल। सिविक हमारी अच्छी गाड़ी है, लेकिन कुछ स्पोर्ट मॉडल और जो हम मॉडिफाई करें फुल मॉडिफाई, अगर मतलब कोई काम शाम, मतलब काम नहीं, मतलब कोई ऑटो शो हो, कोई ऐसी गेम हो तो लेकर जाना चाहिए ऐसी गाड़ी को, जैसी इस भाई की गाड़ी है। मज़ा तो आता है ना गाड़ी देखने में। हाँ यार वो तो बात तुम्हारी सही है बिल्कुल। कोई नहीं, मैं भी देखता हूँ, अगर गाड़ी कोई मिली तो मैं बता दूंगा, तो ले लेंगे। A few moments later. पापा पापा जल्दी करो यार, वो नाम ले रहे हैं विनर का, ऑटो शो का विनर कौन है, जल्दी करें। हाँ यार आ जाओ जल्दी करो, जल्दी आओ जल्दी। आ गया, सुन ले की आंदे। हाँ जी, आपको जैसे कि पता होगा सबका नाम हमने ले लिया है, सिर्फ दो गाड़ियाँ रह गई हैं, पहले और दूसरे नंबर वाली। दूसरी सारी गाड़ियों का हमने पोजीशन बता दिया, और अभी बताने वाले हैं कौन पहले नंबर पर आया है और कौन दूसरे नंबर पर आया है। तो सीन कुछ ऐसा है, मैं सोच रहा हूँ करते ऐसे हैं कि पहले बताएँगे दूसरे नंबर पर कौन आया है, और लास्ट पर हम बताएँगे पहले नंबर पर कौन आया है, ठीक है ना? सबको मंजूर है ना, ऐसे ही करते हैं। हाँ कर दे कुछ कर दो यार, बहुत टाइम लगा रहे हैं वैसे। क्या मतलब टाइम लगा रहे हैं, हम देखो हम लेट आए हैं, उनने सब की नाम बता दिया कौन हर एक की पोजीशन, और हमारी गाड़ी पता नहीं हमारा नाम बोल दिया या नहीं। नहीं नहीं तेरा नाम कैसे बोला होगा, हमारी गाड़ी पहले या दूसरे नंबर पर ही है भाई, तू टेंशन ना ले। हाँ दुआ करो यही हो। हाँ पापा याद तू टेंशन ले रहे, अभी हमारा नाम ही होगा, अगर ना हमारा नाम लिया तो फिर पूछेंगे हमारी गाड़ी कौन सी पोजीशन पर आएगा। वैसे हम इतना लेट हो गए, हमें उधर उनके पास पहले आ जाना चाहिए था। हाँ यार मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। चलो अभी भाई साहब मेहनत से देख रहे हैं कौन पहले नंबर पर आया, पीछे बात कर रहा है जो इन्होंने बनाए हुए थे दो तीन बंदे जज, जिनके देखते भी क्या करते हैं। दुआ करो जीत गए ना यार, हमारे शोरूम का बहुत ही मशहूरी होने वाली है। नहीं नहीं मशहूरी तो होने वाली है, अगर दूसरे नंबर पर भी आ गए ना, वो तुम्हें बनाएंगे ऊपर मेहनत से, जब ऊपर जाएगा तो बोलना ना, तो अब देसी शोरूम है, इधर उधर सब कुछ बोल गया ना, समझा कर। हाँ वो तो मैं करूँगा, अगर बुलाया ना उन्होंने ऊपर, बस पूरी ऊपर जाके ना सही एडवर्ट बना के आऊँगा अपनी शोरूम की, सबको पता चलेगा कि हमारा शोरूम किधर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करा। हाँ हाँ लेकिन अभी बस दुआ करो, बस हम जीत जाए यार तो मज़ा आ जाए। नाम जीते तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमेशा वो कहते हैं ना अच्छी सोच होनी चाहिए, और जिम्मी बुरे मुंह से कोई बुरी बात की ना बूथा तोड़ दूंगा। नहीं पापा यार मैंने अभी कुछ नहीं बोला, इंशाल्लाह आप जीतेंगे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह, बुरा नहीं मैं बोलता यार। और सेकंड पोजीशन पर है माइकल, टॉप देसी शोरूम से जो आए हैं सिविक गाड़ी वाले, आ जाए ऊपर जल्दी जल्दी। पापा चल जाए जाए ऊपर यार, कुछ नहीं होता, हार भी हैं लेकिन पोजीशन सेकंड तो आ गई है ना, मुझे तो ये भी नहीं थी उम्मीद, सच्ची बात है। हाँ जल्दी जा जल्दी मशहूरी करके अभी। हाँ हाँ टेंशन ना लो, देखना भाई ऐसी करूँगा मशहूरी अपने शोरूम की ना, सारे याद करेंगे। चलो यार आज सेकंड पोजीशन पर आएंगे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपका भाई जीतेगा, आपका शो जो भी हुआ ना, नेक्स्ट टाइम हम गाड़ी लेने जा रहे हैं कोई स्पेशल गाड़ी, आप देखना बस। चलो चलो बस करें अभी आ गया माइकल साहब आज मेरे पास आए इधर, आप सेकंड से आए, आपकी गाड़ी बहुत ही अच्छी थी, आवाम ने भी देखा जब आपका नाम लिया कैसे ताड़ियाँ मारी हैं यार, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इधर माइक के ऊपर? जी जी थैंक यू शुक्रिया सब लोगों का और आपका भी। और हाँ हमने इतनी मेहनत तो नहीं की इस गाड़ी के ऊपर, लेकिन फिर भी हम सेकंड पोजीशन पर आए हैं, और मैं कहता हूँ
बहुत ही जाना अच्छा काम हमने किया है। एक दो दिन पहले मुझे पता चलता ऑटो शो तो हमने गाड़ी राइडी सिर्फ एक दो दिन में की है, तो मेरे अंदाज से हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप देखना जो है ना हमारी गाड़ी पहले नंबर पर आएगी। याद रखना टॉप देसी हमारे शोरूम का नाम है, उधर से हम आए हैं, हम उधर ही मॉडिफाई कार करते हैं। तो अगर किसी को ज़रूरत हो कार की टॉप देसी आएँ और देखें हम मॉडिफाई कैसे चीज़ें करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑटो शो हम ही जीतेंगे। और बस इतना ही था, बाय बाय लोगों, शुक्रिया सबका। नहीं नहीं आपका शुक्रिया माइकल साहब, आपका शुक्रिया इधर आने पर, जो आप इधर आए हमें टाइम दिया अपना इतना कीमती टाइम। चलो अब हम नाम लेने जा रहे हैं। अच्छा चलो यार, होगा जो होना था, दूसरे नंबर पर आगे कुछ नहीं होता। किधर गए ये दोनों? ये ओ यार मैं थोड़ा नर्वस नहीं था नज़र आ रहा वैसे? हाँ यार थोड़ा सा नर्वस तो लग रहा था वैसे, मैंने सोचा पता नहीं से क्या हो गया। हाँ पापा यार मुझे भी लगा यार पापा को पता नहीं क्या हो गया। और जो विनर है आज के उनका नाम है उस्मान साहब, जल्दी जल्दी आ जाए आप ऊपर स्टेज पर, जल्दी जल्दी। मुझे पहले से पता था कि मैं जीतूंगा, मुझे पहले से पता था भाई, इतना आसानी है जीतना। ये माइकल जो टॉप देसी वाला शोरूम वाला बंदा है ना, ये मेरे से जीतने आया था। शुक्रिया शुक्रिया, बस करें बस। चलो चलो बस करें बस करें, बहुत हो गई क्लैपिंग इस बाइक के लिए। उस्मान साहब हमारे साथ हैं आज के विनर, जो कि सबसे अच्छी गाड़ी लेकर आए हैं आज के दिन। नहीं 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 भाई साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस ऑटो शो पर इन्वाइट किया था तो मैं आपकी बात पर आया था। और इस ऑटो शो में मज़ा आया मुझे, बहुत टाइम हो गया था मैं अपनी गाड़ी लाइक बाहर लेके नहीं था गया किसी ऑटो शो में। गाड़ी मैंने बहुत तैयार की थी और यही कहना चाहता हूँ शुक्रिया सब लोगों का जिनने मुझे वोट किया और मुझे ये जिताया। थैंक यू सबका यार, दिल से थैंक यू है सबका, सच्ची जो बात है। और भाई साहब आपके जितने जज हैं सबका शुक्रिया जिन्होंने वोट मुझे किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम आएंगे और फिर मैं जीत के जाऊँगा। ये अभी शुरुआत है, एक अच्छी चीज़ की शुरुआत जो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। शुक्रिया सबका, थैंक यू। और चलो चलो चलें, जैसे बहुत तमाशा मैंने देख लिया, इसकी स्पीच सुन सुन के थक गया यार। पापा आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं यार? वो जीता चाहे कुछ स्पीच करने नहीं यार, क्यों इतना गुस्सा कर रहे थे आप? क्या यार गुस्सा क्या करना, चलो चलें जल्दी करें, गाड़ी इसकी अच्छी है वो तो मनना पड़ेगा। चलो चलते हैं जल्दी करो, नेक्स्ट टाइम हम भी देखना। भाई कह रहा था कि अभी ये शुरुआत है, ये वो देख लेंगे शुरुआत है। भाई अभी तू माइकल के सामने जो है ना मेरे साथ कम्पीट करेगा, तुम्हें दिखा देंगे हम। चल छोड़ दे यार, क्यों इतना गुस्सा करी ना माइकल, तो यार जिमिंग पीछे बह मेरे, मैनू अगे बहन दे। नहीं यार मुझे आपने बैठने चाहती यार, क्या यार अभी मैं आज आगे तो बैठने दे यार। अच्छा चल ठीक है, बैठ जा पहला चुप करके, रोना ना पा। अच्छा चाचू ठीक है, मैं रोना नहीं पड़ना। चलो जान रहे हूँ कि मैं करना है। नहीं यार मैं देख रहा था वो अभी लगा हुआ स्पीच कर रहा है, चुप कर गया। नहीं लगता वो चुप कर गया अभी, तू जो निकल आया अभी उसने किसको सुनानी है बातें? वो तो तुम्हें सुना रहा था बातें, जो सीधी बात है भाई। हाँ वो तो मुझे पता, वो मुझे सुना रहा था बातें, कुछ नहीं देख लेंगे देख लेंगे। अच्छा चलो अभी घर चलें, क्या सीन है? नहीं बात सुनो ना, खाना खा लेना, वापस नहीं आना बाद में। हाँ वो भी बात मेरी ठीक है। रात को जैसे कि आपको अगर नहीं आपको पता तो अभी आपको बता देते हैं, अभी रात को जो है ना रेसिस होनी है इधर ही, तो हम अपनी सिविक लेके आएंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे भाई, जीतने हैं कुछ से चीज़ जीत के जानी है आज हमने। हाँ वो तो है, चलो अभी खाना खिला देना बाद में देख लेंगे, बाद में रेस जीतेंगे, मैं खुद चलाऊंगा, क्या बोलता है? हाँ तुम ही चला लेना। ये देखो ये बंदा यार आगे खड़ा हो गया यार, अगर जा यार जल्दी करो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे है ये बंदा, पागल है? और यार टाइम वेस्ट ना करो, क्रॉस करो रोड और जाने दो हमें, ये पागल बंदा है यार। सही किया, मार दो सारे को, पागल का बच्चा। चलो अभी साइड पर तो हो गया ना, चलो चलते हैं, चलो खाना खाने चलते हैं। किधर जाना फिर बताओ? मुझे नहीं पता किधर जाना है, जिधर दिल्ली ले जाओ, लेकिन सही शॉप हो, को खाना मतलब फुल होना है। सुबह कुछ नहीं खाया यार, तुम्हारे साथ निकल आया हूँ, याद है सिगरेट पी रहा था, वो भी तूने नहीं पिया, पीने दिया सही मुझे। अच्छा यार जिधर बोलेगा उधर ले जाता हूँ। अच्छा बोलो, मुझे तो नहीं पता, जिधर बोलते उधर ले जाता हूँ। कौन सी शॉप अभी सुबह सुबह क्या चीज़ खुली होगी? बड़े रेस्टोरेंट तो बंद होंगे अभी इस टाइम। किसने बोला बंद होंगे यार, देखो इधर कुछ चीज़ खुली होगी यार। पापा मुझे पता है शॉप खुल के आगे जाएंगे, उधर क्या है रेस्टोरेंट वो खुला होता है हमेशा। कौन सा? अच्छा इधर है, बर्गर शर्गर खिला दूँ आपको इधर, क्या बोलते हो? कौन से दिखाओ मुझे, मुझे नहीं पता। ये देखो ना अभी दिखाता हूँ ना, ये वाला अंडे वाला बर्गर खाना है क्या? अंडे वाला बर्गर चलो आपको खिला देता हूँ यार, क्या याद करोगे, मैं इनवाइट करता हूँ तुम दोनों को। क्या मतलब अंडे का तुम हमें इनवाइट कर रहे हो साले? इतने सस्ते बर्गर खिला रहा है, मैंने सोचा कोई पता नहीं कढ़ाई शढ़ाई खावा पी होंगे, कोशिश वोशिश तवे का, ये क्या बर्गर, अंडे वाला बर्गर। वो यार अंडे वाला बर्गर और तुम्हें क्या चाहिए यार? अच्छा भाई क्या क्या तुम्हारे पास, सिर्फ अंडे वाला बर्गर ही है?
माइकल यार क्या कर रहा है, माइकल कुछ भी ना, मेरी बात सुन तो पहले माइकल, अंडे वाला बर्गर मैंने नहीं खाना भाई, इसके पास अंडे वाला बर्गर और कुछ भी नहीं है, छोड़ मेरी मान तो चले इधर से, अगर अंडे वाला बर्गर खिलाने तो मैं जा रहा हूँ घर, सीधी जो बात है कसम से यार, मुँह से खराब कर दिया तूने। हाँ पापा यार चाचू की बात सही तो है, कुछ पिता से खिलाओ, कोई अच्छा वाला बर्गर खिलाओ यार, कि एक मुझसे सस्ता बर्गर मैं खिला रहा हूँ। क्या यार तुम दोनों, कसम से यार मैं खिला रहा हूँ, आप दोनों को इन्वाइट कर रहा हूँ, फिर भी तुम दोनों बातें मुझे सुना रहे हो, कुछ शर्म कर लो दोनों यार। क्या मतलब बातें सुना रहे हैं, बोला है तुम्हें कोई अच्छा खाना खिलाओ, ये कोई खाना है भाई, अंडे वाला बर्गर खिला के खुश हो रहा है। अच्छा चलो आओ बैठो, कसम से यार ये दोनों ना पागल हैं, दो बंदे मेरे साथ पागल हैं आज। अच्छा किधर जाना बताओ। पापा मैं आपको बताता हूँ, सीधा जाए सीधा जैसे ठीक है ना। हाँ सीधा ही जा रहा हूँ, बताते रहना। हाँ पापा मैं आपको बता रहा हूँ ना, जाए पाऊंगा मैं आपको बोल रहा हूँ, सीधा जाए सीधे, क्या बोला ना आगे से ना थोड़ा सा ना आगे जाए आगे, वो सामने ना राइट रहे, राइट साइड पाऊँ इधर इस ओर पर राइट होती है, राइट होती है इधर से। हाँ हाँ इधर से राइट होती ना। हाँ हाँ हो गया यार। अच्छा किधर है? हाँ जी इधर क्या राम चौराम से जहाँ पे ये देखो, हाँ ये रेस्टोरेंट है, ये इधर के रोकी, ये तो बंद है, इधर तो कोई बंदा नहीं, ये बंद है। अच्छा फिर क्या करें? हाँ मुझे पता किधर जाना है, बात सुनो पीछे जाने मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा बताना बताना किधर जाऊँ? तो जाने देना, सामने रोड पर जब जाएगा ना जो बताऊँगा यार, रोड पर पहुँचेगा ना आराम से भी आराम से, इधर सामने वो पार्किंग नहीं है, उधर जाने दे पार्किंग में गाड़ी गाड़ी खड़ी कर, उसके साथ वो रेस्टोरेंट उसका ही है। अच्छा चलो ठीक है यार जाने देता हूँ, इस पार्किंग में बोल रहा है ना? हाँ यही पार्किंग है, ठीक है ठीक है, इधर ही खड़ी कर दे। हाँ कर दिया खड़ी यार, चलो आ जाओ। अच्छा ये रेस्टोरेंट है ये, इधर भी यार एक दफ़ा मैं अंदाज़े में आया था एक दोस्त के साथ, कि मुझे लाइक फुली नहीं यकीन हो रहा कि ये वही रेस्टोरेंट है या कोई डिफरेंट है, चलो देख लेते हैं। हाँ देख लेते हैं, कुछ नहीं होता मैं अंदाज़े, तू नहीं इधर आया लेकिन चलो देख लेते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ, इधर से चले जाते हैं, ऊपर से मेरे से नहीं आने होता भाई, मैं तो इधर से जा रहा हूँ छलांग लगा के। क्या मतलब हम नहीं इधर से आ रहे, तू इधर जा हम ऊपर से आ रहे हम दोनों। हाँ यार पापा हम तो ऊपर से आ रहे हैं यार, क्या यार तंग कर दिया पापा, हम आ गए पापा, पहुँचा पापा मैं। देख अपनी हालत, देख अपनी हालत जिमी, इतनी यार इतनी जल्दी ये बंदा थक जाता है, इसे एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। यार ये वेटर किधर गया यार, ऑर्डर करने आ रहे नहीं है। पापा अपनी क्या ऑर्डर करना है यार, बुलाऊँ क्या मैं जैसे ऑर्डर है, बुलाऊँ क्या उसे? अच्छा सोच लो पहले ऑर्डर क्या करना है, देख लो ना। तुम ता फ्रैंकलिन क्या खाए इधर से, तुम्हें पता होगा। हाँ मैं बताता हूँ ना, मैं वो आने दो उसे, मैं खुद ऑर्डर दूंगा, तू टेंशन ना ले, मैं उसे बताऊँगा क्या लेना है, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। हाँ भाई साहब सॉरी सॉरी, हाथ लग गया था यार, सॉरी भाई। अच्छा अपना ऑर्डर दें, ऑर्डर लिखा है, क्या क्या चाहिए आपको? हाँ फ्रैंकलिन तू खुद ऑर्डर देगा या मैं इसे बताऊँ? लेकिन मुझे इतना पता नहीं है मैं क्या बोलता हूँ, फ्रैंकलिन खुद ही बोले जो जो ऑर्डर करने। हाँ मैं खुद ही ऑर्डर कर लेता हूँ। तो भाई साहब इधर मेरी तरफ देखो यार, अच्छा लिखो, अच्छा लिखो, पाँच रोटियाँ लिखो, चिकन कढ़ाई है वो भी ले आओ, ठीक है, शीश कबाब ले आओ, छः सात शीश कबाब ले आओ मेरे लिए, और रोस्ट है रोस्ट चिकन वो भी ले आना, ग्रिल चिकन है वो भी ले आना, ठीक है? तो और क्या, और क्या सोचने दो। अच्छा फ्रैंकलिन माइकल तू भी अपना ऑर्डर दे ले। क्या मतलब, मैंने दस मैंने सोचा तू सबका ऑर्डर दे रहे, तूने बोला पाँच रोटियाँ तुमने बोली हैं, वो क्या अकेला पाँच रोटियाँ खाएगा तू? हाँ यार पाँच अकेला ही मैं खाता हूँ, क्या मतलब माइकल यार, तू भी ड्राइविंग कर रहा है मेरे साथ, मैं पाँच रोटियाँ तो खा जाऊँगा ना, वो मैं अपने लिए सारा ऑर्डर किया साइकिल। अच्छा बात सुन, मैं सबका ऑर्डर देता हूँ, दो दो रोटियाँ ये खाते हैं, नौ रोटियाँ कर दा यार, और बात सुन हर एक चीज़ डबल ले यार, ठीक है? एक कढ़ाई बोलिए दो ले यार, शीश कबाब मैंने छः बोले थे उसे बारह ले यार, ठीक है ना? और ड्रिंक ड्रिंक जो है ना, इन दोनों के लिए क्या क्या ड्रिंक पियोगे, अपनी भी ड्रिंक तो बता दो। मेल ये ना तो पेप्सी ले गया हूँ। हाँ मेल के यार डाइट डाइट पेप्सी लेके आए ना, अब डाइट कोक, और मेरे लिए यार सेवन अप ले आओ, ठीक है ना? सब कुछ समझ आ गया ना? अरे यार जल्दी लेके आना ऑर्डर, ठीक है ना? लेट मत करना, टाइम नहीं है हमारे पास, हमने जाना है।